बीसीसीआई वालों ने ना आईपीएल 2025 की जो मेगा ऑक्शन है उससे रिलेटेड जितनी भी फ्रेंचाइजेज है ना आईपीएल की, उनके सिर पर ना बम नहीं फोड़ा, यूं समझे कि उनके सिरों के ऊपर सीधा सीधा न्यूक्लियर बम भी फोड़ा है। आरटीएम राइट टू मैच वाला जो ये रूल यूज होता था आईपीएल की ऑक्शंस में, खबर ये आ रही है अंदर से कि उसकी छुट्टी करा दी है बीसीसीआई। बीसीसीआई मजा नहीं आ रहा, हिलजुल पैदा होनी चाहिए, तो उन्होंने ना आरटीएम को साइड पे करके 5 players रिटेन करने का रूल फ्रेंचाइजेज वालों को धमा दिया है। और अभी फ्रेंचाइजेज वाले जो है ना वो आपस में सर जोड़ के बैठे हुए होंगे, उनकी तरफ से अभी तक कोई वो जिसे कहते हैं स्टेटमेंट किसी एक की तरफ से भी नहीं आया, क्योंकि वो बेचारे सारे इस टाइम फंसे पड़े होंगे। अब आपको मैं बताता हूँ फंसेंगे कैसे। फंसेंगे वो इस तरीके से कि जितनी भी वो जो फ्रेंचाइजेज है ना जिन्होंने पिछले साल या पिछले 2 साल कर लें उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आईपीएल के अंदर, उनकी कम्बिनेशन बनी हुई है, सारा कुछ सेट है, केकेआर कर लो, जैसे सनराइजर्स हैदराबाद कर लो, राजस्थान रॉयल्स कर लो, इनका आप देख रहे हैं ना इनका अच्छा है, एक प्रॉपर सेटअप बना हुआ है, ये स्मूथली चल रहे हैं। अब इनको वक्ता ये है कि यार हमारा तो कम्बिनेशन बड़ा ठीक किस्म का बना पड़ा हुआ है, भाई हम किन 5 को रिटेन करें और किन को निकालें मेगा ऑक्शन से पहले। उसके ऑपोजिट टीम्स लाइक पंजाब, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, वो खुश हैं, ठीक है निकालो, जिसे कहते हैं ना फ्रेश स्टार्ट लेते हैं, ये 5 players हमने कौन से रिटेन करने हैं वो देख लो मोटे मोटे करके, बाकी गायब करो, हम तो पहले भी इनसे जान छुड़ाना चाहते थे, शुक्र है ये गए हैं, अब एक हम फ्रेश स्टार्ट बनाएंगे। इसी वजह से जो फ्रेंचाइजीज वाले हैं ना वो इस रूल को लेकर आपस में फिलहाल सोच रहे होंगे कि इसको माने या ना माने, आरटीएम के लिए प्रेशर डालें बीसीसीआई के ऊपर के नहीं। तो अभी तो वो बैसो मुबैसा चल रहा होगा कि भैया किसको ड्रॉप करना है, हम किस तरीके से करेंगे, क्या है कोई लिस्ट है किसी के पास। जैसे मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ एक, अब सुनो ज़रा, अगर मैं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करूँ कि उसमें कौन से 5 players सीएसके रिटेन कर सकता है, उसमें गायकवाद ठीक है, ऋतुराज, अब MS धोनी या मथीशा पथिराना, इन दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा, समीर रिजवी, रविंदर जडेजा, रचिन रविंद्रा, ये 5 जिसे कहते हैं एक मोटा चांस इन 5 का कि इनको रिटेन किया जा सकता है, यहाँ पर 6 हैं वैसे, इनमें से 5 ही रिटेन हो पाएंगे, तो CSK के तो इन प्लेयर्स के चांसेस हैं। अब हम दिल्ली कैपिटल्स की तरफ आते हैं, वहाँ पर ऋषभ पंत हैं, वहाँ पर मैकगर्क है ऑस्ट्रेलिया का, स्टब्स है साउथ अफ्रीकन, वहाँ पर अक्षर पटेल है, वहाँ पर कुलदीप यादव हैं, ठीक है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर रिटेन किया दिल्ली कैपिटल्स ने तो वो इन 5 को करेंगे, जो कि ऋषभ पंत के बारे में अभी वो मैंने आपको बताया देर इज एवरी पॉसिबल चांस इसकी छुट्टी हो जाए, बड़ा नाम है इस वजह से रिटेनिंग लिस्ट में आया हुआ है, वरना हो सकता है ऋषभ पंत छोड़ भी दे दिल्ली कैपिटल्स, वो किसी और टीम में चला जाए, पिछले साल की परफॉर्मेंस और उसके हिसाब किताब, इस IPL की परफॉर्मेंस और उसके हिसाब किताब से मैं बात करूँ 2024 वाले। अच्छा, गुजरात टाइटन्स का जी शुभमन गिल, मिलर, डेविड मिलर, सुधार्सन, ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शामी, राशिद खान, इनके चांसेस हैं रिटेन होने के। KKR में आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स में, वहाँ पर श्रीकांत सायर, रिंकू सिंह, नितेश राणा, वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों में से एक आंद्रे रसल, रहमानुल्ला गुरबाज, सुनील नारायण, अब बताओ ज़रा, अब ये टोटल कितने नाम हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नाम हैं, 5 रिटेन करने हैं, और KKR टाइटल होल्डर है, अब बताओ कि श्रीकांत सायर और गौतम गंभीर अब अपना सर नहीं पकड़ेंगे तो और क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 5 रिटेन करनी है, नाम 7 हैं, आपको 2 को छोड़ना पड़ेगा, आप किसको छोड़ेंगे, आप नितेश राणा को छोड़ेंगे, चक्रवर्ती को छोड़ेंगे, आंद्रे रसल को छोड़ेंगे, गुरबाज को छोड़ेंगे, क्या करेंगे, ठीक है आगे चलो, अभी सुनो बड़ी मजेदार लिस्ट है। लखनऊ सुपर जायंट्स, KL राहुल, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पूरन, मार्कस टॉयनेस, रवि बिश्नोई, देवदत्त पदिकल, आयुष बदूनी, कितने नाम हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नाम इधर भी हैं, इनके लिए भी वक्ता। मुंबई इंडियंस की तरफ आओ, वहाँ पर जनाब हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, ईशान किशन, इधर ये नाम है जिनका वक्ता पड़ा हुआ है, और रोहित शर्मा का तो मुझे लगता है कि वो तो शायद मुंबई इंडियंस के लिए खेले ही ना, वो उसका तो आपको पता ही है जो बादशाह चल रही है कि भैया वो बहुत मुश्किल है, तो आई डोंट नो, हो सकता है रोहित खेल ले अगर उसको कप्तान शप्तान ऑफर करें या जो भी है, लेकिन अभी देखा जाएगा, अभी तो सिर्फ नामों तक की बात हो रही है। पंजाब किंग्स में आ जाओ, वहाँ पे सैम करन है, हर्षदीप सिंह है, रबाडा है, प्रभाव सिमरन सिंह है, शशांक सिंह है, इनके इन 5 की बात हो रही है।
राजस्थान रॉयल्स में, वहाँ पे संजू सैमसन, जॉश बटलर, यशस्वी जायसवाल, रयान पराग, ट्रेंट बोल्ट, इनका नाम आ रहा है। आरसीबी में विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, विल जैक्स, यश दयाल, मोहम्मद सिराज, इनका नाम आ रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासन, नितेश रेड्डी, पैट कमिंस, नटराजन, इनके इधर ये 6-7 नाम बने पड़े हुए हैं। तो ये फैक्ट है कि आईपीएल की जब भी मेगा ऑक्शन होती है ना, ओ भाई उसमें बहुत बवाल मचता है। और ये जो इस साल अगले साल होगी ना 2025 में, सर उसमें तो बहुत ही कोई आप देखेंगे उथल पुथल। ये अब मैंने अगर ये आरटीएम गायब हुआ है ना, राइट टू मैच वाला फार्मूला बीसीसीआई ने अगर साइड पे कर दिया है, तो अब आप देख लें कि 5 बंदे रिटेन करने हैं फ्रेंचाइज वालों ने और नए बंदे खरीदने हैं। 5 बंदे रिटेन करने हैं, उनका मनी साइकिल देखना है, जो नए लेकर आने हैं उनके पैसे देखने हैं। तो ये जो आईपीएल 2025 है ना, इसमें बहुत है जिसे कहते हैं उथल पत्थल, सही भसड़ मचेगा, सही जिसको कहते हैं किसके नसीब में क्या आता है अब ये देखना पड़ेगा। ओ यस, रोहित शर्मा की एक एग्जांपल मैंने दी है, शुभमन गिल की भी बातें हो रही हैं कि वो उसको भी शायद साइड पे कर देंगे, ऋषभ पंत की बात हो रही है उसको दिल्ली वाले साइड पे करने के चक्रों में है। देयर इज लॉट गोइंग ऑन उस्ताद जी। तो अब ये सारी चीज़ें सेटल डाउन तभी होंगी जब ऑक्शन होगी। अभी तो देखते हैं कि फ्रेंचाइज वाले इस रूल को मान लेते हैं चुप करके या नहीं, आरटीएम साइड पे और 5 प्लेयर्स को रिटेन करने का फार्मूला ये फ्रेंचाइजेज वाले एक्सेप्ट करती हैं या नहीं। ये जब इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होगी ना, तो फिर आगे देखेंगे कि अब इसी ऑनवर्ड्स क्या हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आउट।